नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। दिल्ली दंगों की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस पहले भी निशाने पर रही है, लेकिन अब एक और मामले में सवाल उठ रहे हैं। करीब एक साल पहले दिल्ली दंगे के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर कुछ पुलिस वाले घायल पड़े युवकों को राष्ट्रगान गाने पर मजबूर कर रहे थे। बाद में इनमें से एक युवक फैजान की मौत हो गई थी। अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में हाथ खड़े कर दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पुलिस ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि वो अब तक ये पहचान नहीं कर पाई है कि वायरल वीडियो में दिखने वाले पुलिसकर्मी कौन है। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में दंगे हुए थे। इनमें 53 लोग मारे गए थे, बहुत नुकसान हुआ था। इसी दौरान का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। फैजान के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि फैजान को 2 दिन हिरासत में रखा गया। 26 फरवरी 2020 को उसे घर ले जाने को कहा गया, लेकिन तब तक वो बुरी हालत में था, बोल भी नहीं पा रहा था। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घायलों से राष्ट्रगान गवाने के इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी विरोध भी किया था। अब सोमवार को दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि अभी भी इस वायरल वीडियो में देखे गए पुलिस वालों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ एक पुलिस वाले की संभावित आधार और पहचान हो पाई है। स्टेटस रिपोर्ट में पुलिस ने बताया कि उन्होंने 4 वीडियो क्लिपिंग्स की जांच की है। इनमें से किसी में भी पुलिस वाले के चेहरे नहीं दिख रहे हैं। वीडियो क्लिप्स को फॉरेंसिक जांच के लिए FSL लैब भेजा गया है। पुलिस ने भी बताया कि उसे वो मोबाइल भी नहीं मिला है, जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। घटना की जगह पर लगभग 170 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे, उनके मोबाइल फोन की जांच की गई है। पुलिस ने माना कि उस शख्स का भी पता नहीं चला है जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। पुलिस का दावा है कि कोई भी प्रत्यक्षदर्शी घटना की पुष्टि करने आगे नहीं आया है। पुलिस ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि फैजान समेत बाकी लोगों को ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में जबरदस्ती नहीं रखा गया था, जबकि फैजान के परिवार का आरोप है कि उसे थाने में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था। फैजान की मां ने हत्या की SIT जांच की मांग करते हुए दाखिल याचिका में आरोप लगाया है कि करदमपुरी में पुलिस वालों ने फैजान को निशाना बनाकर बेरहमी से हमला किया था। उनकी ओर से वकील वृंदा गोवर ने पहले कोर्ट के सामने तर्क दिया था कि पुलिस दावा कर रही है कि पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे थे। हाईकोर्ट ने पुलिस को रिकॉर्ड पर यह बताने का निर्देश दिया है कि ज्योतिनगर पुलिस स्टेशन के CCTV कैमरे उस समय काम कर रहे थे या नहीं। मामले में कुछ और अपडेट्स आते हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे। आपके लिए खबर लाए थे हमारे साथी अमित, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी लल्लन टॉप पर सेहत सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।